अनियन में, बाजारी फ्राइड अनियन जो होते हैं ना उसमें ये मैं बना रही हूँ। और ये है लज्जत, और लज्जत के ये अनियन हैं और बहुत ही अच्छी इसकी प्यारी सी खुशबू है। और ये रेडी टू क्विक होते हैं, मतलब जल्दी से हम इसे फ़ौरन से, अगर आपके घर कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो आप जल्दी से इनको बना सकते हैं। कोई भी सालन इससे आप बना सकते हैं और हर रेसिपी में ये यूज़ हो जाते हैं और कोई मसला नहीं होता। तो बस ये आप अपने हिसाब से जितना आपने सालन बनाना है उस हिसाब से ये ले लें। और ये पहले से फ्राई हैं इसलिए हमें कोई फ्राई श्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम इसको एज इट इज़ डाल देंगे और थोड़े से घी में डालेंगे, उसके बाद हल्का सा बस इसको करेंगे सॉफ्ट करेंगे, और इसके बाद हम बाकी मसाले इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा जी, और मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है काफ़ी दिनों से, तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है। तो मेरा जो सिटी चाइल्ड है ना, आपको पता है मैंने आपको मिलवाया हुआ है उससे, उसकी बहुत तबीयत ख़राब है, उसको फिट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। मैं हॉस्पिटल भी लेके गई थी तो उसके बाद उसे फीवर होना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। और ये अभी आपको हूँ हूँ की आवाज़ आ रही होगी मेरे पीछे से, बस ये वही थोड़ा सा ना बीमार होने की वजह से इस तरह कर रहा है। और आप सब उसके लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है? तो बस ये मैंने ले लिए थे अनियन और इनको मैंने घी में डाल दिया है, और ये बाकी के जो है मैं रैप करके इसको रख दूँगी रैपर को। और इसको अच्छी तरह से आपने बंद करके रखना है, अगर आपके पास कोई एयर टाइट बॉक्स है उसमें डाल के रख लें। मैं भी इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख लूँगी। अच्छा, प्याज मैंने रख दिए हैं थोड़े से सॉफ्ट होने के लिए घी में। और अब मैं ये कर रही हूँ लहसुन को थोड़ा सा इसको मैं ग्रेट करूँगी, और साथ ही मैं जिंजर को भी ग्रेट कर लूँगी, और उसके बाद हम इसमें प्याज़ों में इसको शामिल कर देंगे, ठीक है? तो बस ये प्याज़ सॉफ्ट हो गए हैं, इसको कोई फ्राई वगैरह नहीं करना हमने क्योंकि ये फ्राई तो हुए हुए हैं ना पहले से। अच्छा, इसमें जा रहा है एक टमाटर, और तकरीबन ये कोफ्ते हैं मेरा ख्याल है, अभी मुझे याद भी नहीं है कि ये कितने थे, तकरीबन होंगे 12 या 14 कोफ्ते होंगे। तो ये उसके लिए इतने से प्याज काफ़ी है और टमाटर भी काफ़ी है, आप जितने चाहें इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए और अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, मसालों की क्वांटिटी भी उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो 2 टमाटर डाल लें, थोड़ा सा दही भी इसमें हम ऐड करेंगे, और बस इस मसाले को हम तैयार कर लेंगे। और ये था लहसुन और अदरक का पेस्ट, अब इसको मैं डाल दूँगी प्याज़ों में शामिल कर दूँगी, और टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिया हुआ है। और ये इतनी क्विक रेसिपी है ना कि अगर आपको बताए बगैर कोई गेस्ट आ जाता है ना, बस ये मीट बॉल आप बना के रख लें इस तरह से और फ़ौरन से निकालें, मसाला तैयार करें, प्याज भी आपके पास फ्राइड पड़े हुए हों, तो बहुत ही जल्दी से आप ना एक सुघड़ बीवी और घरेलू खातून होने का ना आप सबूत पेश कर सकती हैं। तो बस ये है कि अब ये हो गया था मसाला रेडी, अब इसमें मैं थोड़े से और मसाले ऐड करूँगी। ये जाएगा जी इसमें नमक, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, और अब इसमें मैं डालूँगी जी रेड चिली पाउडर डालूँगी मैं इसमें, और टर्मरिक पाउडर डालेंगे हम इसमें, हल्दी पाउडर डालेंगे। रेड चिली पाउडर मैं थोड़ा सा कम इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि कोफ्तों में पहले से सारे ही मसाले मौजूद हैं, हमने सिर्फ ये जो प्याज़ों की ग्रेवी बनानी है ना हमें इसके लिए मसाले चाहिए, ठीक है? हमने कोफ्तों के लिए कोई इतना ज़्यादा मसाला नहीं डालना कि जी कोफ्ते भी डालने हैं तो वो अब्जॉर्ब करेंगे। कोफ्ते अपना मसाला जो है, मिर्चें वगैरह उसमें डली हुई हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डला हुआ है, सब कुछ उसमें मौजूद है, तो उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। बस ये हम थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको मसाले को अच्छा सा भून लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको मैं भून रही थी मसाले को, तो आपने बस इसी तरह भून लेना। और ये फ्रोज़न जितने भी चीज़ें हैं ना आपको मैंने पहले भी बताया था, उसमें एज इट इज़ डाल दिया करें, मतलब फ्रीज़र से निकाली और निकाल के फ़ौरन आपने मसाले में ऐड कर देनी है, उसको आपने पहले से निकाल के नहीं रखना। कोई भी अपने अगर कोई भी चीज़ फ्रीज़ की हुई है ना उसको आपने पहले से निकाल के नहीं रखना। और ये है जी एग बॉयलर, इसमें मैं एग बॉयल कर रही हूँ, 6 एग बॉयल कर रही हूँ, और ये मैं एग बॉयलर में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारी गैस एज़ यूजल नहीं आ रही, तो बस हम सिलेंडर पे काम कर रहे हैं, तो ये एग हो गए थे बॉयल, और अब मैं इनको पील ऑफ कर लूँगी और हम कोफ्तों के अंदर इनको शामिल करेंगे, और बहुत मज़े के और टेस्टी से ये बन जाएंगे। तकरीबन ये 5 to 3 मिनट में जो है ना बन जाते हैं। तो ये बस मेरी बेटी कह रही थी कि इसको मामा मैं पील आउट करती हूँ,
आप तब तक अपना मसाला देख लें, कोफ्तों को देख लें। तो बस वो पील कर रही थी इनको, और मैंने मसाला तैयार कर लिया था, एक तरफ मैंने आटा गूंद लिया था, और बस जल्दी जल्दी से हमारा हो गया था दोपहर का खाना रेडी। बहुत ही मज़े के ये कोफ्ते इंजॉय किए हमने, बहुत ही मज़ा आया। अच्छा ये देखिए जी, ये पक गए हैं कोफ्ते, इसमें मैंने डाल दिए थे और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया। और ये देखिए जी, तो देखिए जी ये हमारे कोफ्ते अंडे हो गए हैं रेडी, और अंडे बहुत बड़े बड़े से हैं और कोफ्ते छोटे छोटे से हैं, क्योंकि अंडे बहुत बड़े थे तो इसलिए। अच्छा जी ये मैंने ऊपर धनिया स्प्रिंकल कर दिया है और डाला था इस पे गरम मसाला। आप भी यही रेसिपी फॉलो कीजिएगा, बहुत टेस्टी यमी और क्विक रेसिपी है, इंजॉय कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, वीडियोस को बहुत बहुत शुक्रिया। और बस आपकी सपोर्ट के साथ ही मैं आगे बढ़ रही हूँ, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।